हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनिक्स राहुल। आज हम देखेंगे अगर आपने कोई अपने आधार में चेंज किया हुआ है तो आधार अपडेट होने के बाद वो बाय पोस्ट हमारे घर पे किसी वजह से नहीं आ पाता है, तो हम उसको प्रिंट कैसे करेंगे। आज इस वीडियो में अपने क्रोम बॉक्स को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ आपको नया टैब ओपन करके यहाँ लिख के सर्च कर लेना है आधार कार्ड। हम लिख के सर्च कर देंगे, जो पहली वाली वेबसाइट आएगी आपको उस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ से आपको सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम लैंग्वेज को इंग्लिश कर लेते। फिर आपको यहाँ पर एक पॉपअप शो होगा, इसको हम क्रॉस कर देंगे। फिर माय आधार की सेक्शन पे जाके डाउनलोड आधार आपको क्लिक करेंगे। साइट थोड़ी सी लोड ले रही है, चलिए हम लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर अपनी 12 डिजिट का आधार नंबर फिल करेंगे, चलिए हम फिल कर लेते। फिर जो आपको नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा है वही कैप्चा को आप फिल करेंगे, चलिए हम फिल कर लेते। OTP जनरेशन सक्सेसफुल हो गया है, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का OTP आया होगा। चलिए हम OTP आने का वेट कर लेते, OTP आ चुका है, चलिए हम OTP को डाल देते और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन होंगे, आधार डाउनलोड आधार के आपके आपको क्लिक कर लेना है। हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, हमारा डाउनलोड हो चुका है, चलिए हम ओपन करेंगे। जो हमारा आधार का PDF का पासवर्ड होगा वो आपका नाम, नाम के फर्स्ट 4 डिजिट और आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, चलिए हम डाल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरीके से क्रॉप करेंगे, चलिए हम क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के लिए विंडोज शिफ्ट प्लस यस को आपको प्रेस करना है, फिर ये अच्छी तरीके से क्रॉप हो जाएगा। जैसे ही क्रॉप करेंगे आप पेंट में चलाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, हमने पेस्ट कर दिया है, इसको आप अपनी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। चलिए हम थोड़ी देर इसको आगे कर करें बस, और थोड़ा सा इसको ऐसे क्रॉप करेंगे इस एरिया को और इसके नीचे ले आएंगे, इसको हम 180 डिग्री घुमा देंगे, 180 डिग्री, और थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर खींच लेंगे, यस ठीक है। और यहाँ इस अनवांटेड भाग को हम निकाल देंगे, इसको डिलीट कर देंगे और इसको अपने तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, फोटो पेपर के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर आप इस एरिया को सेव कर सकते हैं, हम चलिए हम इसको सेव करते, सेव एज JPG। फिर हम इसको अपने डेस्कटॉप के डेस्कटॉप पर सेव कर लेंगे, चलिए हम कुछ भी नाम देके इसको सर्च कर देते, ये सेव हो चुका है। चलिए हम डायरेक्ट डेस्कटॉप के ऊपर चलेंगे, देखिए आप सकते हैं आधार के नाम का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुका है, चलिए हम इसको ओपन कर लेते। 2 मिनट एक क्रॉस कर लेते, एक बार प्रिंट करने के लिए आपको डायरेक्ट आधार के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, डायरेक्ट अपने फोल्डर पे क्लिक कर लेना, या उससे आप इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पर अपनी आप प्रिंटर चूज करेंगे सबसे पहला, फिर आपको यहाँ पर A4 की जगह 4.6 सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर फोटो पेपर सिलेक्ट कर लेना है। और इसको प्रिंट कर लेना है, चलिए हम प्रिंट करके लगे, जैसे ही प्रिंट होगा आप उसको लेमिनेशन कर।